तो इसके सारे हम लोग घास को बांधेंगे, तो इसको बोलते हैं लूट। तो धन्यवाद ये गाइस पे सवा नमक। अभी कहते हैं दो लोगों के बीच में नहीं आते हैं, इसी को कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अच्छा मौका था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो पे। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अपने ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। आज इतनी अच्छी वाली धूप निकल रही है, पूरे मेरे फेस पे चमक रही है। सुबह सुबह इतनी तेज वाली धूप लग गई है, पूरी आंखों पे लग रही है, और अपने जानवर मस्त करके धूप में बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो योगी भी आ गया मेरे साथ। योगी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया। तो योगी और मैं सुबह सुबह जा रहे हैं गाइस रोड पे। मैं पिछले ब्लॉग पे बात कर ही रहा था। क्या दिखा रहा था मेरे को फिर से? इतना बड़ा हो गया पेठा, इसकी नज़र रोज पेठे में रहती, क्या करेगा तू इसका? कुछ नहीं, चल फिर खाएगा, हर चीज़ देखो खाने के लिए चाहिए बस। गोबा योगी वहाँ चलेगा कद्दू लेने के लिए। आजा आजा आजा। मैं कल वाले ब्लॉग पे बात कर ही रहा था कि जो हमारे गांव वाली रोड है, यानी कि जो घर वाली रोड है ना, ये कब सही होगी करके। तो इसके लिए आज मशीन आ गई है। तो कल प्रधान ने बात करी होगी जय सर से, तो उन्होंने बोला था कि आज मशीन आएगी करके, तो वहाँ पे जाना है अभी। तो मशीन वाले भैया को ना कुछ चीज़ें बतानी है हमको, क्योंकि जो लैंडस्लाइड हो रखा है, लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी मिट्टी आ गई है, और वो मिट्टी ना नीचे समाधि में ना चले जाए, तो उससे उसको बचाने के लिए एक डंपिंग जोन बनाना था जहाँ पर पूरी मिट्टी जाएगी, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो लैंडस्लाइड इतना बड़ा सा, इसको पूरा साफ करेंगे तो रास्ता बन जाएगा। आजकल तो हमारे चलने के लिए बहुत कम रास्ता है, संभल संभल के जाते हैं हम लोग, जानवर तो यहाँ से जा भी नहीं सकते। हमारे साथ कमांडर भी आ गया है ना, कमांडर आजा। आज पता है गांधी जयंती है। देखो नीचे वाले स्कूल में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो गए सामने किमखेत वाले स्कूल में प्रोग्राम चल रहे हैं, क्योंकि आज गांधी जयंती है ना। तुम्हारे स्कूल की छुट्टी होगी आज? किसने करी, सर ने? क्या बोला? भाई गांधी जयंती के दिन छुट्टी कर दी। आज है गांधी जयंती, तो आप सभी लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। पता नहीं योगी ने की छुट्टी क्यों हो रखी है, वैसे आज के दिन छुट्टी होती नहीं है, स्कूल पे झंडारोहण होता है, पता नहीं क्यों छुट्टी हो रही है, ये बोला हुआ छुट्टी है करके। यहाँ पे दीवार का काम चला हुआ है, योगी भैया काम करा रहे हैं, बाकी भैया लोग लगे हुए हैं फाउंडेशन देने में। यहाँ से दीवार बन रही है कहीं यहाँ तक, जिससे कि ये पूरी मिट्टी रुक जाएगी बैंड की। मशीन भी आ चुकी है जिसकी बात हम कर रहे थे, ये आपको दिख रही होगी यहाँ से। ओ भाई वो भी काम करेगी। योगी भाई बढ़िया, कैसे हो तुम? काफ़ी समय के बाद दिख रहे हो वीडियो में। हेलो गाइस, हम मजे में हैं। पंजू योगी स्क्वायर योगी भाई प्लस छोटा योगी। भाई यहाँ पे सफाई काम चालू हो गया, तो भैया यहाँ पे काम करने लग गए। यहाँ पे देखो भाई मशीन लग गई है, और कमांडर पता नहीं क्यों चले गए आगे। पूरा काम चला हुआ है, तो बुबू जी भी आए थे रोड देखने के लिए सुबह से। ये छोड़ गया क्या? इसको छोड़ के बाद में करेंगे। तो भाई देखो यहाँ पे पूरा साफ हो गया, यहाँ पे जो पूरा वाजर मशीन आ गई है, इस वाले पे साफ कर रही है। हम लोग ज़्यादा मिट्टी को नीचे नहीं फेंक रहे हैं, ऐसे करके रोक लिए पूरा। धूप बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए मैं आराम से छाया में बैठा हूँ, और मशीन तो अपना काम कर रही है। अभी मशीन पूरा साफ़ नहीं कर रही है, हल्का हल्का अपने रास्ता बना रही है, क्योंकि ना यहाँ की मिट्टी नीचे समाधि में चली जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, उससे बचने के लिए यहाँ पे सिर्फ रास्ता बना रही है। देखो थोड़ा सा, जिससे कि वहाँ की मिट्टी फिर यहाँ आ जाएगी ना, तो यहाँ से अच्छे से बस गाड़ी चली जाएगी, उतना रास्ता हो जाएगा, फिर आगे को तो पूरा क्लीन करेंगे, तो उसी के वजह से मशीन लगी हुई है। काम के होने करीब 5:30, और अपने जानवर जंगल से आ गए, और मौसम की बात करें तो पूरा बारिश वाला मौसम हो रखा है, और पूरी धुंध छा रखी है चारों ओर। बैल भी आ गए हैं, बकरियां भी आ गई हैं, साथ में योगी बेचारा रो रहा है आज। क्या हो गया योगी को? क्यों योगी कतला? ओहो गई, इसके पैर में लग गई भाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कैसे लगी? इन दोनों की लड़ाई इसने मारा, इसकी और इसकी, इसने मुझे भी मारा। ओ जा भाई, दो बैलों की लड़ाई के बीच में योगी बेचारा पिस गया। चल कोई नहीं, सह जाएगा। चल हंस मत भाई, हंसी आ रही है मुझे भी तेरे को देख के। सीरियस हूँ, पर हंसने वाली बात नहीं है, पर सच में यार दो बैलों के लड़ाई के बीच में ना योगी को नहीं पिसना चाहिए था। तभी कहते हैं दो लोगों के बीच में नहीं आते हैं, इसी को कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। कोई बात नहीं, चल ब्याह से जाले, कोई दिक्कत ना। चल के बात ना, सही जाले, कान में घर जाके दवाई दे देंगे इसको। कान में लीजिए, कान में। कमांडर देखो आराम से खेल रहा है। कमांडर तेरे पता बहुत शिकायत आई थी कि तूने कल लंगूर नहीं भगाए, पर गए सच्चाई है कि कल इसने बहुत सारे लंगूर भगाए थे, पर मैं इसको सूट नहीं कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि ये बेचारा काम कर रहा था, है ना। इसका पूरा दिन तो रोड में निकल गया, वहाँ पे मशीन लगी हुई थी ना, और पता है फाइनली क्या हुआ कि मशीन वापस चली गई। अब गांव की रोड नहीं बन सकती, उस पर पूरी प्रॉब्लम आ रही है। दिक्कत ये होगी कि जो हमारी गांव की रोड थी ना, उसकी मिट्टी नीचे समाधि में चली जा रही है, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से काम को रोकना पड़ा। और पता नहीं देखो क्या होता है, अभी कुछ टाइम बाद जय सर आएंगे, वही देखेंगे, वो बताएंगे क्या करना है करके। पता नहीं गाइस अब रोड बनती है नहीं बनती है, कोई फिक्स नहीं है, नहीं भी बन सकती, बन भी सकती है, ये हमको नहीं पता। गाइस कल वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से मैंने उसको दो पार्ट में डाल दिया, तो यहाँ से आगे को गाइस कल वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं।
अभी जी लोग डाबरी से घास काट के भी आ गए, अभी चलेंगे ककड़ी। वाह धन्यवाद। ये गाइस पे सवा नमक इसको लगाया जाएगा। सामने का मशीन काम कर रही है तो वहाँ के पत्थर थे बड़े बड़े आ रहे हैं नीचे। वाओ लो भाई इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, एक और आ गया भाई छुप गई छाया में। कटी को हम लग रहा हूँ बढ़िया कदी घास कट कर दीदी अच्छा छुटा दी तो सर मारी है थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। बहुत बढ़िया सब लोग आए, दीदी लोग भी भाभी लोग सब लोग गए थे डाबरी। बड़े बड़े पत्थर आ रहे ना, एक और आ गया लो। दीदी परी को क्या मैसेज दोगे? परी वीडियो देखी सुबह, क्या मैसेज देना चाहोगे परी को? आई नहीं तो ककड़ी मिस कर दी है ना, अच्छा मौका था, अच्छा मौका है, परी ने गवा दिया। कभी-कभी आती है। तो परी वीडियो देखी सुबह बोलेगी क्या बोलेगी, कल उसको भूख लग रही थी ना, कल ककड़ी नहीं थी, आज वही है, आज अकेले लाए हैं। हाँ सही कही दीदी गाइस। अभी दिन के हो रहे हैं लगभग 3:30 और मैं जा रहा हूँ खेत पे चाय लेके। मम्मी और पापा खेत पे गए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे ना घास का एक लूट लगाना है, तो पापा जी इसलिए गए हुए हैं और मम्मी काट रही है घास। और पीछे पंकु भैया देखो भाई, पंकु भैया कितना सामान है ये देखो भाई। कल पंकज भैया गांव से जा रहे हैं नाना मत्ता, उसके बाद जाएंगे फिर ये देहरादून, तो उनकी विदाई कर देते हैं। अगर भाई तू कल नहीं गया तो ये सामान वापस लेके आना भाई। घास के साथ ये रखा पापा ने डंडा, तो इसके सारे हम लोग घास को बांधेंगे, तो इसको बोलते हैं लूट। तो इस तरीके से इसका बेस तैयार कर रहे हैं जिससे कि नीचे से पानी नहीं आएगा करके। वैसे ना इसकी हाइट यहाँ पे रहती है लगभग, यहाँ से लूट देते हैं, पर इससे ना बाहर को डंडे से निकले नहीं है इसलिए ज़मीन से देंगे इसको। मम्मी ने यहाँ की पूरी घास बांध दी है। जब मैं पिछले दिन खेत में आया था उस दिन मम्मी यहाँ की घास काट रही थी और आज यहाँ की घास सूख भी गई है, उसके बाद मम्मी ने बांध भी दिया। तो पापा जी भी आ गए, पापा जी यहाँ पे हैं। ओ मम्मी खुद में काट बोलकर, आजकल मम्मी का लुक कई तगड़ा हो रखा है घास काटने में। और पता है नीचे से मेरी लकड़ी चुभी सी चप्पल से पैर में खून भी निकलने लग गया। और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, दोनों कंधों में हो रखा है घास लाला के दर्द है। अच्छा तो चाय भी रहती है यहाँ, क्या इसी से पहुँचवाना घर, इसको जबरदस्ती घर ले ताकि मैं ढोलू ना। वो राजा 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 को देखो, राजा भाई धन्यवाद, राजा भाई वहाँ 10 घात गए वो लेके गए। राजा भाई अगर वीडियो देख रहे हो ना कमेंट करना भाई, तुम्हारी तारीफ हो रही है। कहाँ से लेगा राजा भाई? आओ मैं बैठे घर है, आओ मैं बैठे भाई घर, यानी कि जो आपको ये वाली पहाड़ी दिख रही होगी ना, यहाँ से खेत है, यहाँ से वहाँ उनका घर है, वहाँ की बात करें। राजा भाई बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। कैसी बननी चाहिए बता पहले, तो कुछ सीखो। किससे? किसी से तो सीखो, हाँ भाई सीखना जरूरी है किसी से भाई। तो मिस्त्री वाली चाय कैसे पीते हैं देखो, सबसे पहले मिस्त्री काटी फिर चाय पी, ऐसे मिस्त्री वाली चाय पीते हैं। ढंग की बनी है चाय बनाने में, कौन सा रॉकेट साइंस है। बात तो सही है, डाली वो पत्ती डाली चीनी डाली है। इस शाम के 5:14 और अभी अपने जानवर यहाँ पे चल रहे हैं। आज तो इनने जो हालत ख़राब करी ना, कई गंदी वाली, ये बताए जंगल से आ गए थे नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे अपनी मेन रोड है, यहाँ से आपको दिखेगी भाई, वहाँ से यहाँ पे आ गए थे, यहाँ से इनको लेके गया वापस जंगल, वहाँ से लेके आए फिर जाके यहाँ पे चल रहे हैं ये। और शाम के टाइम पूरी बारिश वाला मौसम हो गया, आसमान में पूरे बादल लग गए, यहाँ देखो बिल्कुल धुंध सी साथ। शाम के हो रहे लगभग 7 और पंकज भाई आ रखे हैं हमसे मिलने के लिए, ये कतई झूठ है, मतलब सच्चाई नहीं है, ये आ रखे हैं ककड़ी लेने के लिए। और मैं अब इसको चेक करूँगा कि ककड़ी सही है नहीं, वीडियो बनाइए हमारे अगर ये कल नाना मत्ता नहीं पहुंची तो ताई जी सोच ले तेरे को फिर वापस घर पहुंचा देगी। पंकज भैया के साथ बैठ के गहन अध्ययन हो रहा है यहाँ पे, ये ककड़ी क्या सड़ी होगी या नहीं होगी। ककड़ी लेने कल भी आ सकता हूँ भाई। भाई ऐसा मत कर भाई, आप चले जाना भाई, तू दिन में भी ककड़ी, रात में भी ककड़ी भाई, तू दिन में कितने ककड़ी लेगा? आप कल सुबह भी भाई दिन में कितने ककड़ी लेगा? कल सुबह तुझे दिख जाओ तो ककड़ी तैयार रखना भाई। दिन में भी लेगा क्या? अभी भी और कल भी ले जाएगा? इतनी ककड़ी तो मैंने आज तक नहीं उठाई जितनी पंखा उठाने की सोच रहा है। मम्मी खेत पे गई थी तो मम्मी को कुछ भट्टे मिले, उनको मम्मी तोड़ के लाई थी, तो मम्मी ने भी पकाए हैं कुछ इस तरीके से, छोटे छोटे भट्टे हैं ये, क्योंकि ना इनको चिड़ियाएं खा रही थी तो मम्मी लेके आ गई थी, उसमें से 2-4 होशियार भाई को दिए, 2-4 योगी को, तो जो बचे हैं वो अपने लिए मम्मी ने पका दिए, तो अभी इनको टेस्ट करते हैं। अब तो बहुत कम भुट्टे मिलते हैं क्योंकि मक्का का सीजन चले गया ना, इसलिए वाकई लाजवाब है, इतनी मीठी हो रही है ना, मतलब जैसे नॉर्मल सीजन में खाते हैं तो होती है, पर आजकल कुछ ज़्यादा मीठी लग रही है क्योंकि कम है ना, जब कोई चीज़ ऑफ सीजन मिलती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको हम लोग एक एक करके निकाल भी सकते हैं और डायरेक्टली ऐसे भी खा सकते हैं। मम्मी बना रही है शाम का खाना और साथ में मम्मी मेरा ही ब्लॉग देख रही है, क्योंकि मम्मी ये बहुत रिसर्च था नहीं, मैंने आज किया ब्लॉग चला हुआ है।
रोटी भी बन रही है और सब्जी बन चुकी है। और इस वाली डलिया में गैस केले पकाने को डाल दिए, जो केले आपने दिन में देखे तो आग की गर्मी से पकेंगे। और पापा जी अभी भाई दूध से दही बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्लू क्या खाएगा बता। ये केले गैस पके में पहले किए हैं तो भाई 3 बचे हुए थे। हमें टाइम टाइम में केले पकते रहते हैं और उसको हम लोग आपस में बांटते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे केले हम ही नहीं खाते हैं, वो बांट देते हैं हम केलों को। इतने केले खा के तो पेट खराब हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, साथ अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।